नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हुंडई सेंट्रो 2018 के स्पोर्ट्स मॉडल की। जी हां, आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पे ये है हुंडई सेंट्रो 2018 का स्पोर्ट्स मॉडल, जिसका एक्सटीरियर और इंटीरियर आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। तो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर देख के आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये कार आपको कैसी लग रही है, बाकी इसमें कौन सारे फीचर्स आते हैं, इसमें क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुंडई सेंट्रो किन सारे वेरियंट्स में उपलब्ध है 2018 मॉडल जो लॉन्च किया गया है। हुंडई सेंट्रो 2018 आती है डिलाइट, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट में। तो ये सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं हुंडई सेंट्रो 2018 में, जिसमें डिलाइट जो है वो बेसिक बेस मॉडल है, जिसमें आपको बहुत ही कुछ नहीं मिलता है, बस आपको एक नॉर्मल सी कार मिलती है जिसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं जो हम बेस से लेके टॉप एंड वेरिएंट तक सब में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम स्पोर्ट्स में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो हुंडई सेंट्रो 2018 में जो स्टैंडर्ड फीचर्स रखे गए, उसमें सबसे जो अच्छी फीचर है वो ये है कि इसमें सेफ्टी को स्टैंडर्ड किया गया है, जैसे कि ABS, EBD और ड्राइवर साइड एयरबैग को स्टैंडर्ड किया गया है। साथ ही साथ आपको चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स भी दिए गए हैं हर एक मॉडल में। इसके साथ ही इंजन इमोबिलाइजर, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सीट बेल्ट वार्निंग अलार्म, लो फ्यूल वार्निंग, ड्यूअल ट्रिप मीटर, फ्यूल कंजम्पशन मीटर, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, पावर स्टीयरिंग, रिमोट फ्यूल लीड ओपन, रिमोट टेलगेट ओपन और रियर सीट बेंच फोल्डिंग और स्वच्छ हुंडई स्वच्छ कैन जैसे फीचर्स इसमें आपको स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। तो ये तो रहे स्टैंडर्ड फीचर्स जो आपको हुंडई सेंट्रो 2018 में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हुंडई सेंट्रो 2018 के स्पोर्ट्स मॉडल जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, इसमें क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप एक्सटीरियर में देख सकते हैं, जो फ्रंट का कैस्केडिंग ग्रिल है उसको एक्सटेंड करते हुए फॉग लैंप दिया गया, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी लंबा या चौड़ा दिखाई देता है और काफ़ी बड़ा लुक आ जाता है। तो इसमें आपको फ्रंट में फॉग लैंप मिलेंगे स्पोर्ट मॉडल में। साथ ही इसमें आपको रियर डिफॉगर, कीलेस एंट्री और व्हील कवर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ORVM से टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और इसमें आपको इंटीरियर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 7 इंच का, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक जैसे सपोर्ट भी मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मॉडल में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाएगा, USB वॉइस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें आपको फ्रंट और रियर स्पीकर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको इको कोटिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं और साथ ही साथ आपको रियर पार्सल ट्रेक ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ये तो रहे स्पोर्ट्स मॉडल में आने वाले फीचर्स और इसमें जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुंडई सेंट्रो 2018 के स्पोर्ट्स मॉडल में आपको क्या कुछ मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कार में इसका एक्सटीरियर कैसा है। तो एक्सटीरियर जैसा कि आप देख सकते हैं, हुंडई सेंट्रो जो पुरानी वाली आती थी उससे थोड़ी सी छोटी रखी गई है हाइट वाइज, तो हाइट उतनी टॉल वाय लुक नहीं दिया गया, फिर भी ये काफ़ी डिसेंट लुक है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसका फ्रंट लुक भी आप देख सकते हैं, कैस्केडिंग ग्रिल और फॉग लैंप की वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, काफ़ी एक डिसेंट सा डिज़ाइन दिया गया जो काफ़ी हद तक हुंडई की ग्रैंड आई10 की याद दिलाती है। साथ ही में इसका जो साइड लुक भी आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसका टेल गेट भी या पीछे का रियर व्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी आपको बीज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है इस सेगमेंट की दूसरी कारों की तुलना में। हालांकि इसकी तुलना आप ग्रैंड आई10 या आई20 के बिल्ड क्वालिटी से नहीं कर सकते, फिर भी काफ़ी डिसेंट रखा गया इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए।
इसके साथ ही इसमें आपको टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो आपको रिवर पार्किंग में भी मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें आपको जो इसका जो गियर लीवर है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रखा गया, जिससे कि आपको गियर चेंज करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका ड्राइवर सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक मीडियम साइज के इंडिविजुअल के लिए काफ़ी अच्छी है, हालांकि कुछ ज़्यादा लंबे 6 फीट या उससे ज़्यादा लंबे लोगों के लिए थोड़ी बहुत स्पेस की कमी जरूर फ्रंट सीट पे महसूस हो सकती है। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं। इसका सीट भी काफ़ी सपोर्टिव है लॉन्ग जर्नी के लिए भी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके रियर सीट की, तो रियर सीट पे भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और हुंडई सेंट्रो में निकलना और एंटर करना काफ़ी आसान बनाया गया, ताकि ये ओल्ड एज लोगों को अंदर जाने में और बाहर आने में काफ़ी मदद करेगा आसानी से अंदर जाने और बाहर आने में। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसका जो रियर सीट पे जो लेग रूम है वो भी काफ़ी डिसेंट है और शोल्डर रूम भी काफ़ी ठीक ठाक मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे 2 एडल्ट और 1 बच्चा बहुत ही कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हुंडई सेंट्रो 2018 का जो स्पोर्ट्स मॉडल है वो एक इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहा जा सकता है और इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 1,04,99,900 रुपीज़, यानी कि 5 लाख के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है और इसमें आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। 3 सारे फीचर्स और इसकी प्राइसिंग को देखते हुए, साथ में हुंडई की बिल्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए ये कार काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो ये तो था हुंडई सेंट्रो 2018 के बारे में एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो आप वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।